और नितिन भाई अभी हमारे काम कर रहे हैं, वो खड़े नितिन भाई। और नितिन भाई कैसा है मजा? तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रामलीला ग्राउंड में, और यहाँ पे रामलीला ग्राउंड रामलीला की काफ़ी सारी तैयारी हो रही है। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ आई हुई है, शर्मा डीजे वैजोई नंबर वन और नितिन डीजे एमबीडी, नितिन भाई की लाइटिंग है इसमें नंबर वन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, जब मिलता है साथ में तो क्या धमाका करता है। तो यही सब मैं दिखाना आया हूँ, और कैसा स्टेज वगैरह लगा हुआ है सब कुछ दिखाऊंगा। और इंट्रो आपने शुरू में देख लिया होगा, तो दिखाता हूँ अभी, देख सकते हैं गाइस आप कैसे। तो गाइस ये पूरा सेटअप लगा हुआ है शर्मा डीजे वैजोई की, हिटलर सीरीज लगी हुई है यहाँ पर, ये हिटलर सीरीज लगी हुई है यहाँ पर शर्मा डीजे वैजोई की। और यहाँ लाइटिंग वगैरह चल रही है काम, और नितिन भाई हमारे वो बैठे हैं, और ये है ऑपरेटिंग का, देखो ये पूरा शर्मा डीजे का ऑपरेटिंग यहाँ से हो रही है। तो अभी मैं रात का व्यू भी दिखाऊंगा यहाँ रामलीला ग्राउंड का कैसा है स्टेज का, और आप पूरा स्टेज देख लीजिए एक बार। तो गाइस काफ़ी अच्छा स्टेज लगा हुआ है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ रहा है, और काफ़ी अच्छी चीज़ लगी हुई है, तो देख सकते हैं आप। तो गाइस चलिए दिखाता हूँ, मिलाता हूँ नितिन भाई से भी और सब कुछ दिखाऊंगा, ब्लॉग में बने रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये कुछ बैठने की व्यवस्था है, तो काफ़ी सारी कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है। रात में यहाँ भी रात में चालू हो जाएगी रामलीला वगैरह, तो देख सकते हैं आप। और ये देखिए शर्मा डीजे वैजोई और नितिन एमबीडी के साथ लाइटिंग, तो देख सकते हैं ये पूरा लगा हुआ है शर्मा डीजे वैजोई, और ये पूरी लाइटिंग वगैरह देख सकते, कितना बड़ा स्टेज लगा हुआ है आप खुद देख सकते हो, कुछ साफ बैठने की जगह है। तो भाई चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको काफ़ी ज़्यादा, तो भाई दिखाता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा रामलीला कवर, और मेला भी दिखाऊंगा, मेला भी लग गया है थोड़ा जितना लगना था। तो चलिए, तो गाइस ये लगी हुई है पूरी नितिन भाई की लाइटिंग, नितिन डीजे एमबीडी मुरादाबाद किंग के नाम से, तो सीआरपी वगैरह काफ़ी सारी लगी हुई हैं, और देख सकते हैं आप पूरा कितना बड़ा सेटअप लगा हुआ है। और नितिन भाई अभी हमारे काम कर रहे हैं, वो खड़े नितिन भाई। और नितिन भाई कैसा है मजा? और क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे हर दिन, तो देख सकते हैं। और यहाँ से हो रहा है शर्मा डीजे ऑपरेट, और अभी दिखाऊंगा मैं ऑपरेटिंग का वगैरह सब। तो हिटलर सीरीज इन्होंने लगा रखी है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, हिटलर सीरीज पूरी लगी हुई है। तो गाइस देख सकते हैं अभी उधर है मेला लगा हुआ है पूरा, जो रामलीला का मेला लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या, अभी थोड़ा बहुत लगा है, मतलब पूरा तो नहीं लगा, झूले वगैरह लग रहे हैं जैसे आप देख सकते हो, पेंडिंग पड़ा हिंडोला बड़ा वाला, तो अभी पूरा अभी मेला चालू नहीं है, बस रामलीला चालू हो गई कल से, और कल से आप देख सकते हैं अभी आज और डे टू है। और रात का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, रात में लाइटिंग और डीजे के साथ कैसा लगता है, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है, व्लॉग में बने रहें। और काफ़ी इधर है सब रहने की व्यवस्था, जो यहाँ के कारीगर होते हैं कलाकार जो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, तो इधर सब वो इनका रहने का बंदोबस्त होता है, तो इस पंचवटी के अंदर। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ बनना है रावण का पुतला, जो रावण का पुतला बनता है, इसका व्लॉग मैं अलग बनाऊँगा एक। तो यहाँ पे अभी तैयारी वगैरह चल रही है काफ़ी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेला जहाँ पे थोड़ा मेले के अंदर। तो गाइस मैं आपको अब मेला दिखाने जा रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मेला लग चुका है अभी, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ से है इसका रास्ता जाने का, अभी गाड़ी वगैरह अंदर जा रही है, बाद में नहीं जाएंगे जब मेला चालू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर इस तरीके का कुछ मेला लगा हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकान वगैरह तो ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, बट अभी झूले वगैरह नहीं लगे हैं, तो अभी तो गाड़ी वगैरह सब लाऊंगा, जब मेला चालू हो जाएगा तो भाई एक भी गाड़ी यहाँ पे अंदर नहीं आ सकती, तो कोई भी हमें देख के गाड़ी अंदर लेके ना आए। तो देख सकते हैं सीधे चलो, तो देख सकते हो अभी छोटे वगैरह जो छोटे झूले हैं ना बच्चों के, वो लग चुके हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे इधर कुछ, और ये मिक्की माउस अभी लग रहा है, और जो बड़े हैं उधर जो मतलब खतरनाक भाई, उनकी अभी रेडी हो रही है प्रिपरेशन वगैरह। तो ये देख सकते हैं ये शायद मेरे ख्याल से ब्रेक डांस पता नहीं कौन सा है, तो और ये देख सकते हैं नाव मौत का को शायद लगे, उधर ब्रेक डांस लग चुका है, और इधर इंडोला तैयार हो रहा है। तो ओवरव्यू ये देखिए मौत का कुआ यहाँ लग चुका है, ये तो कंप्लीट है पर छोटा है भाई काफ़ी, तो ये छोटे मोटे झूले सब लग चुके हैं, तो अब देख सकते हैं भाई यही पूरा ओवरव्यू दिखाया मैंने रामलीला से पहले, मतलब मेला चालू होने से पहले क्या है और कैसे सब तैयारी वगैरह होती है। सीधे चल बाहर, तो गाइस देख सकते हैं सॉफ्टी की दुकान जो लगती है सबसे बड़ी, तोमर सॉफ्टी, तो वो लग चुकी है पूरी कंप्लीट। बाहर से थोड़ा दूर से ओवरव्यू जो है देखिए कुछ इस तरीके का है, और स्टेज भाई
अभी पूरा कंप्लीट अभी लगा नहीं है, तब भी देख सकते कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। अभी रात में मैं आपको यहाँ का एक लुक और दिखाऊंगा स्टेज का और कैसा है सब, तो उसके बाद ब्लॉग एंड कर दूंगा। अभी रात के लिए इंतजार करिए, मिलते हैं सीधे हम आपसे रात में। तो गाइस व्लॉग देख के आ चुके होंगे, तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तो गाइस ये एक इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग था, जो लोग मुरादाबाद से हैं वो आना चाहें, रामलीला ग्राउंड में मेला लग चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है पूरा, झूले वगैरह लग रहे हैं, तो रामलीला तो चालू हो गई, रामलीला जरूर देखें। तो एक ऐसी मैंने अपडेट वाला व्लॉग बना देता, मेले का प्रॉपर व्लॉग मैं और बाद में बनाऊंगा। तो यही था व्लॉग आज का, तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं जल्दी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस। Thank you.